रह नहीं सकते हैं। अभी तक तो कांग्रेस को अपने अध्यक्ष की तलाश है कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा, यह स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद मेरे मित्रों, न तो हम लोगों का की चाल बदली है, न हम लोगों का चरित्र बदला है। और मैं कहना चाहता हूं कि 1951 में जिस दार्शनिक अवधारणा और जिस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, उसी दार्शनिक अवधारणा और उसी विचारधारा को लेकर, वही कार्यक्रमों को लेकर आज भी हम भारत की राजनीति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सामान्यतः राजनीतिक पार्टियां समय के साथ अपनी विचारधारा को बदलती रहती हैं, लेकिन उस समय भी जो अपना दर्शन हम लोगों ने तय किया था, अपनी दिशा जो हम लोगों ने तय की थी, जो अपनी दृष्टि हम लोगों ने तय की थी, बहनों भाइयों, सोच समझ कर तय की थी कि हमको कैसे भारत का निर्माण करना है। हम भारत को एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी ही भारत नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि 1951 में ही हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न यह था कि हम भारत को एक दिन पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करेंगे और उसी दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे।